मेरे को एक बात ध्यान आ गई, थोड़ा इमोशनल सा हो गया था, बात मेरे को ध्यान आ गई कि जैसे कई बार कहते हैं ना, मतलब लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, मैं कहता हूँ पहले जो मैंने कहीं सुना भी था कि जिंदगी एक बार नहीं मिलती, मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हमें डेली सुबह मिलती है, जिंदगी तो हमें डेली मिल रही है, मौत एक बार मिलती है। आप डेली सुबह उठते हो, आपको एक नई जिंदगी मिली। मैं तो ऑलवेज कहता हूं सर आपको पता है आपको डेटा क्या है कि हर दिन 2.5 लाख लोग सो के नहीं उठते। हम उसमें नहीं है, हम कितना शुक्रिया अदा करें भगवान का, जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। डेली सुबह मैं तभी कहता हूं अपने बच्चों को कि हमेशा सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये होना चाहिए, आप धरती पे, मेरी आदत है बचपन से, मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि धरती पे हाथ लगा के आप यहां पे करो, हाथ मस लो, आंखों पे रगड़ो, उसके बाद आप उठो। आप शुक्रिया अदा करके उठो कि हे भगवान शुक्र है कि आज मेरे को दोबारा सुबह देखने को मिली, क्योंकि 2.5 लाख लोगों को नहीं मिली और उसमें से नहीं है, तो एक नई जिंदगी हमें मिली है, इसके अंदर हम कुछ अच्छा करेंगे। और ऑलवेज आप सेम डे आप ऐसे काम करो ये मान के कि मे भी ये कल दिन दोबारा मेरे को देखने को ना मिले, क्योंकि सर जिंदगी में आए हो। मेरा अपना सपना बता रहा हूं, मेरा ड्रीम क्या है कि मैं जिंदगी में आया हूं तो कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि जिस दिन मैं ना रहूं लोग याद करेंगे कोई आया था। वो है जिंदगी, आप आए, आप कब गए किसी को पता ही नहीं, और लोग ये कह रहे हैं शुक्र है गया, तो ये ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए। फिर तो जिंदगी में आने का फायदा ही क्या कि लोग खुश हो रहे हैं कि शुक्र है भगवान गया। जब कहते ना, जब आप जब पैदा हुए थे, आप जब पैदा हुए थे आप रो रहे थे, आपके घर वाले हंस रहे थे कि हमारे घर खुशी आई है। आप जब मरो पूरी दुनिया रोए, जिंदगी तो वो है, जिंदगी तो वो है ना। जब हम पैदा हुए तो दुनिया हंसी, हम रो रहे थे, दुनिया खुश थी कि घर में कोई पैदा हुआ लड़का लड़की, राजा मेरा राजा बेटा आ गया, मेरी रानी बेटी आ गई। और जब हम मरे तो सब रोए और हम खुश होके अपना मर जाएं कि हाँ भाई हमने बहुत कुछ किया, लाइफ इज मोर। तो जिंदगी में कुछ ऑलवेज अपने ड्रीम लेके चलना सर, ऐसे अकड़म बकड़म पागल वाली जिंदगी मत जीना। सिंपल सी बात है, आप यहां पढ़ने के लिए तो आए हो, अपनी लाइफ बनाने के लिए भी आए हो। आपको ये नहीं कि 4 साल से टैक्स, 4 महीने टैक्स पढ़ने, 4 महीने टैक्स, आपको लाइफ भी चेंज करनी है अपनी कि भाई मेरी थॉट्स चेंज होने चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उसका इंपैक्ट मेरे को लॉन्ग टर्म देखना है। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है, अपने रिलेटिव्स के लिए बहुत कुछ करना है, तब ये करने का फायदा है। अगर आप ये सोच रहे हो, एक बात मेरे को और ध्यान आ गई,